प्रिय विद्यार्थियों, थोड़े अंतराल के बाद में आज हम पुनः ई क्लासेस में एकत्रित हैं। पूर्व के वीडियो में हम बात कर रहे थे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले समाजशास्त्र बीए पार्ट थर्ड विषय के सेकंड पेपर की, भारतीय समाज की। चार यूनिट पे हमारी बात हो चुकी थी, आज हम पांचवी यूनिट की बात करेंगे। पांचवी यूनिट में क्या चीज है, क्या विषयावली है, जिसको हमें यहाँ अध्ययन में लेना है। पांचवी यूनिट में है सामाजिक परिवर्तन परिवर्तन की प्रक्रियाएं। बड़ा ही वृहद विषय है ये भी, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत सत्य नियम है, हर चीज में परिवर्तन आता है। तो उसी प्रकार सामाजिक प्रक्रिया में भी एक निश्चित प्रकार का परिवर्तन है। किन किन क्षेत्रों में वो परिवर्तन कैसे दिखाई दे रहा है, हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृतिकरण। एक द्विज जाति जब किसी अन्य जाति के नियम, कानून, कायदे, प्रथा, रीति रिवाज, रूढ़ियां, परंपराएं स्वीकार कर लेती है, वो लंबे अरसे तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी तक अगर वो उन्हें स्वीकार किए रहती है, तो तीसरी पीढ़ी के बाद में वह एक द्विज जाति दूसरी जाति में समाहित हो जाती है और उसका नियम और वो सब उसी पे लागू हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण है मध्य प्रदेश के कुरुक्ष ब्राह्मण, ये संस्कृतिकरण का एक बड़ा उदाहरण है। अभी पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, हनुमानगढ़ या गंगानगढ़, यहाँ भी कुछ कुछ जगह पे आपको संस्कृतिकरण के केस दिखाई दे जाएंगे, जो पूर्व में किसी अन्य जाति में समाहित थे लेकिन अब वर्तमान में धीरे धीरे वो दूसरी जाति में समाहित होते जा रहे हैं। यह संस्कृतिकरण है। संस्कृतिकरण के संबंध में पूरा डिटेल में हम विषयवार बात करेंगे, आज हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। संस्कृतिकरण के बाद है नगरीकरण। नगर एक समुदाय होता है और एक समुदाय एक निश्चित जगह पे बहुत सारे लोग अपने अपने उद्देश्य लेकर इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाते हैं। एक टाइम बाद में वो जगह बड़ी बृहद हो जाती है। मैं भारतीय संदर्भ में कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जैसे जितने भी महानगर हैं, महानगर में छोटे बड़े कुछ प्रोजेक्ट कार्य करने प्रारंभ किए और उसी के साथ गाँव से, भारत में लगभग 70% लोग गाँव में रहता था, वह गाँव से धीरे धीरे काम की तलाश में लोग उस जगह एकत्रित होने लगे और एक अंतराल के बाद में वह जगह बहुत बड़ी हो गई। जैसे धारूहेड़ा है, जैसे इस्पात टाटा नगर है, मुंबई है, जैसे अहमदाबाद है, सूरत है, ये बड़े बड़े नगर बन गए। लेकिन ये बड़े नगर नहीं थे, लेकिन लोगों को, गांव के लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप काम की तलाश में गांव छोड़कर शहर की तरफ आना प्रारंभ हुआ, तो शहर धीरे धीरे एक नगर का बड़ा रूप उन्होंने ले लिया। नगरीकरण अनेक समस्याएं लेके आता है। नगरीकरण के जहाँ लाभ हैं वहाँ इसके अवगुण भी हैं। भिक्षावृत्ति है, वेश्यावृत्ति है, होमलेस पीपल्स हैं, बेघर लोग हो जाएंगे, बहुत सारी इसकी प्रॉब्लम भी है। लेकिन खाने और कमाने के लिए आदमी जब बाहर निकलता है तो उसे कोई एक निश्चित जगह पे रहना है और वह जगह धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेती है, तो नगरीकरण है। इसके बाद सर पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण एक संस्कृति का, एक पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ पे आना
और धीरे 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 यहाँ की संस्कृति के कुछ हिस्से में उसने अपना प्रभाव बना लेना, जैसे फैशन में, कपड़ों में बना लेना, खाने में बना लेना, रहन सहन में बना लेना, पूजा अर्चना में बना लेना, और बहुत सारे जगह है इसके लिए जहां जहां पे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव यहां जब दिखाई देने लगे तो हम कह सकते हैं साहब यह पश्चिमीकरण का प्रभाव है। हम जैसे वस्त्र धारण करते हैं, कोट और पैंट पहनते हैं, ये भारतीय मूल संस्कृति का वस्त्र नहीं है बल्कि कुर्ता और धोती, लेकिन हमने यह पश्चिम की सभ्यता से धारण कर लिया तो आज यह पश्चिमीकरण की श्रेणी में आता है। यह एक छोटा सा उदाहरण है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अभिवादन के तरीकों में हमने परिवर्तन कर लिया, पर्टिकुलर बहुत सारी जगह पे, सब में नहीं लेकिन कुछ हिस्से में, कुछ जगह पे अभिवादन के तरीके में परिवर्तन हो गया है। हम परंपराओं की मान्यताओं को लेकर परिवर्तन हो गया है, संस्थाओं के व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है। कहने का मतलब एक आदमी के सामाजिक जीवन पे जब पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव आता है तो वह जो एक परिवर्तन आपको दिखाई देता है वह मूल रूप से पश्चिमीकरण कहलाता है। उसके बाद ऐसा आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण से तात्पर्य है किसी एक विकसित राष्ट्र की बहुत सारी चीजों को एक विकासशील राष्ट्र स्वीकार कर ले। किसी एक विकसित राष्ट्र की बहुत सारी विकासवादी प्रवृत्तियों को एक विकासशील राष्ट्र जब स्वीकार करता है और उससे जो एक परिवर्तन आता है निश्चित प्रकार का, वह आधुनिकीकरण है। कारण है इसका कि जब भी किसी एक ऐसे राष्ट्र में जो पूर्णतः विकसित हो चुका है तो विकास की प्रकाश प्रभाव पा लिए। अब डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट नवाचार से है, नवाचार से होगा भी नई चीजों के। आज हम कंप्यूटर के संबंध में बात करते हैं तो कंप्यूटर जब प्रारंभ में आया आज कंप्यूटर जहां पे है दोनों बातों में बहुत अंतर आ गया है, कंप्यूटर की लाइन बहुत आगे निकल गई है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि नवाचार अपनाया जाने लगा, और उस नवाचार, ये जैसे मैं आप भी बोल रहा हूँ, ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, यह एक डेवलपमेंट का तरीका है, विकास विज्ञान का। जैसे जैसे विकास हुआ ठीक इसी प्रकार किसी एक राष्ट्र का पूर्ण विकास हो चुका है, वहां की बहुत सारी बातों को हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां से यहाँ पे लागू करते हैं, और लागू करने के बाद यहाँ जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वह मूल रूप से आधुनिकीकरण है। इसके बाद है साहब भारत में नियोजित परिवर्तन, योजनाबद्ध तरीके से जब हम परिवर्तन करते हैं तो वह एक नियोजित परिवर्तन है। इसके दो रूप आप देखेंगे, आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण। आधुनिकीकरण की अभी हमने बात किया कि जब एक राष्ट्र पूर्ण विकास हो गया, विकासशील हो गया है, विकासवान हो गया, उसके बाद में विकासशील राष्ट्र जब उसे एक राष्ट्र की बहुत सारी बातों को स्वीकार करता है और अपने यहाँ डेवलपमेंट की प्रक्रिया को चलाता है तो वह आधुनिकीकरण है। अब है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण से यहां तात्पर्य है कि कोई भी राष्ट्र पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वो जो पूंजी लगाएगा उसकी पूंजी की सुरक्षा देगी। जैसे WHO और इन्होंने ऐसी एक व्यवस्था बनाई, आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी जाके, यहाँ आपने LLB किया है और आप कहीं जाके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो यहाँ आपने MBBS किया और अमेरिका में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। ये सब चीजें जो है यह वैश्वीकरण का प्रताप है, यह वैश्वीकरण में आती है ये चीजें। कहने का भाव है कि पूरा का पूरा राष्ट्र आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे की समझ को साझा करने के लिए एकत्रित होना ही मूल रूप से वैश्वीकरण है। आज हमने
भारतीय समाज बीए पार्ट थर्ड में पढ़ाए जाने वाले विषय के पांचवी यूनिट की बात किया, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण, सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इन पे हमने बात किया। फिर भारत में नियोजित परिवर्तन क्या है, जो योजनाबद्ध तरीके से परिवर्तन करते हैं। एक बात बीच में छूट गई थी, मैं बता दूं, जैसे पंचवर्षीय योजना है, ये कहीं दूसरी जगह से हमने स्वीकार की। इस पंचवर्षीय योजना से भारत धीरे 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 विकास कर रहा है, तो ये आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण, इस विषय पर बात किया। आज की वीडियो में हम इस विषय को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग में हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले समाजशास्त्र के बीए पार्ट द्वितीय के सेकंड पार्ट, समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, इसको उठाना चाहेंगे। धन्यवाद।